हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर ज्वाइन करने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको न्यू वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें एज अ ऑफिसर आप डायरेक्ट भर्ती है, एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं मेडिकल के बाद आप सीधे एज अ ऑफिसर। तो क्या है भर्ती, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा, आपका एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, सैलरी क्या होती है, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस भर्ती की, तो इस भर्ती का जो नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम है TS-49। ये आप सबको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन ये वीडियो फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो ये फॉर्म टेक्निकल एंट्री स्कीम है, TS-49 का फॉर्म है। इस फॉर्म को सभी वो लोग भर सकते हैं जो 10+2 पास हैं, साथ में जेई मेंस 2022 के लिए अपीयर हुए हैं। अगर आप जेई मेंस 2022 में अपीयर हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ है, आपके जो 12th हैं उसमें 10+2 में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स के साथ साथ आपके इंग्लिश में इंडिविजुअली 50% होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपका 12th में 60% होना चाहिए मिनिमम, और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में जेई मेंस में अगर आप अपीयर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी फॉर्म फिलिंग के लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आपकी वही है 16.5 से 19.5 साल, अगर आप इसके बीच हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग होगी वो स्टार्ट होगी 15 नवंबर 2022 से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज है 1 नवंबर और 15 नवंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पहले वो बता देता हूँ, और लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर लेना है सभी लोगों को। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका 10th की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके आधार कार्ड में आपका नेम और आपके 10th की मार्कशीट में आपके नेम अगर सेम मैच नहीं कर रहा है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, आपका फॉर्म फिल ही नहीं होगा। तो अगर आपका ऐसी कोई दिक्कत है तो आप अभी भी सुधरवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है लगभग 1 से 1.5 महीने का, तो आप अभी भी करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड हो गया, इसके अलावा 10th की मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपका फ़ोटो और साइन सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, वो तो आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉब्लम आती है वो आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में अगर कोई भी वेरिएशन है तो आपको फॉर्म में दिक्कत आएगी। तो अगर आपके कोई वेरिएशन है तो आप अभी भी आधार कार्ड अपना सुधरवा सकते हैं, आराम से सुधर जाएगा, टाइम भी है आपके पास, ईजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी लगभग कितनी मिलती है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। आगे से सारे रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे, तो आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अगर हम बात करें सैलरी की, सैलरी जब आपको पहली सैलरी इसमें मिलती है वो मिलती है आपकी 56,100 रुपये, यानी कि 56,100 रुपीज़ आपकी मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो स्लिप रहती है वो 56,100 रुपीज़ की होती है फर्स्ट सैलरी। तो काफ़ी अच्छा पे आउट है। एज अ लेफ्टिनेंट आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी में, तो ये भर्ती आपकी 15 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे। आप चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है @JNMank, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।